लाइट्स की वजह से एक्सेसेस ऑफ मोबाइल स्क्रीनिंग तो डार्क सर्कल्स तो बन जाते हैं. सो सबसे पहले तो डार्क सर्कल्स को मैंने कवर किया है और हाथ से ही आई हैव द ब्यूटी ब्लेंडर जिससे मैं बेस की फुल कवरेज के लिए यूज़ करूँगी. बट इनिशियली मैंने हाथों से ही सारी जो कंसीलिंग की है डार्क सर्कल्स और पिंपल्स. देन आई गो फॉर बेस जो कि नहीं है उसको हिला के मैंने इसमें से निकाली है थोड़ी बहुत बेस और अ वेरी फ्यू ड्रॉप्स जो कि मैं पूरे फेस पे करूँगी. और इसी को नेक पर मैं बेस बिल्कुल अप्लाई नहीं करूँगी, सिर्फ फेस पर, पूरे फेस पर मैं बेस को अप्लाई करूँगी. देन विद द ब्यूटी ब्लेंडर आई एम गोइंग टू ब्लेंड माई बेस. बेस अच्छी तब बनेगी व्हेन यू हैव टू ब्लेंड इट वेरी सॉफ्टली एंड बहुत जेंटली. और इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है. आप जितना ब्लेंड करेंगे बेस उतनी स्मूथ और आपकी स्किन के साथ बिल्कुल बिल्कुल स्मूथ बनेगी. एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि बेस का शेड और आपकी स्किन का शेड बिल्कुल सेम होना चाहिए. सो दैट्स वाई मेरी स्किन और मेरी नेक बिल्कुल एक सेम शेड में आती है. और नेक के साथ ये थोड़ा बहुत फेस को भी लूज पाउडर से जस्ट हल्का सा टैप कि स्टिकीनेस अगर बेस में है तो वो ख़त्म हो जाए. अदरवाइज अगर आप अच्छी बेस यूज़ कर रहे हैं देन यू नो नीड टू अप्लाई द फेस पाउडर. एंड देन आई एम गोइंग टू कॉन्टोर माई फेस विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट आपके फेस के कट्स को इन्हांस करने के लिए. टीवी पर यू नीड टू कॉन्टोर योर फेस. और कॉन्टोर करने के बाद आई एम गोइंग टू अप्लाई ब्लश ऑन. अपने फेस के साइज़ के अकॉर्डिंग सबको पता होता है अब तो कि फेस के साइज़ के अकॉर्डिंग किस तरीके से अपने फेस को कॉन्ट्रोल करना है. देन आई एम गोइंग टू अप्लाई द ब्लश ऑन. नेचुरल जितना नेचुरल आप मेकअप को रखेंगे उतना खूबसूरत रहेगा. एंड ऑल्सो आई अप्लाई अ लिटिल ब्लश ऑन माई चिन. और ये मैं किसी से पता नहीं क्या बात कर रही हूँ, कुछ समझा रही हूँ मैं किसी को, विच इज़ वेरी अनॉइंग. एंड देन आई एम गोइंग टू कॉन्टोर माई नोज़ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है. और नोज़ को आपने कॉन्टोर करते हुए अपनी आई ब्रॉज के साथ मिलाना है. यस, इतना ही स्पीडी. इन 10 मिनट्स यू आर ऑलमोस्ट रेडी. देन आई ब्रॉज जो कि आपके फेस को इन्हांस करते हैं. अब मैंने मिरर को क्लोज कर लिया है. यस, अब आप आईब्रोज को इस तरीके से बना सकते हैं. देन अ सिंपल शेड, कुछ भी, कोई आई शेड मैंने अप्लाई नहीं किया, सिर्फ आईज की डेप्थ दी है लाइट ब्राउन कलर से, ओनली डेप्थ. और उसके बाद हाईलाइट करूंगी मैं जस्ट टू लिफ्ट माई आईब्रोज. आंखें लिफ्टेड लगे. एंड देन द इनर कॉर्नर्स. और आई डोंट नो मैं किससे क्या बातें कर रही हूँ. मैंने इनर कॉर्नर्स को थोड़ा हाईलाइट किया है. यस, सिंपल एंड एलिगेंट लुक बिकॉज माय ड्रेस इज़ अ लिटिल ब्राइट रेड कलर का था तो आंखें मैंने बिल्कुल म्यूट रखी हैं. कोई बेस कलर नहीं लगाया, जस्ट मैंने आंखों को डेप्थ दी है एंड आंखों के नीचे लाइट ब्राउन एंड रेड कलर को मिक्स करके
उसके नीचे मैंने लगाया एंड यस माय आई मेकअप इज़ ऑलमोस्ट डन, सिर्फ आई नीड टू अप्लाई द मस्कारा। ये मैंने मैंने अपने चेक बोन को हाईलाइट किया है, यस ऑन द बोथ साइड्स एंड नाउ आई एम गोइंग टू हाईलाइट माय ब्यूटी बॉन्स। थोड़ा सा नेक पे, थोड़ा सा चेक्स पे, थोड़ा सा चिन पे, यस एंड थोड़ा सा फोरहेड पे, लिप्स पे, आई मीन हाँ नोज पे, जो जो हाईलाइट हो सकता है। यस टिश्यू पेपर रिमूव्ड ताकि ड्रेस ख़राब ना हो, लिपस्टिक डन, बाल मेरे ऑलमोस्ट रेडी थे, कर्ल्स मैंने कल के किए हुए थे तो इन्हीं कर्ल्स को थोड़ा फ्रेश करके बीची वेव्स की तरह मैं चलाऊंगी आज भी। यस एंड नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई मस्कारा जो कि मैं इनर दोनों साइड पे लगाती हूँ आंखें। इट्स अ ट्रिक, मस्कारा लगाने का भी वैसे एक आर्ट है जो कि हर किसी को नहीं आता। आप अपनी आईलैश को बहुत लॉन्ग दिखा सकते हैं जस्ट विद द हेल्प ऑफ मस्कारा। और आई एम ऑलमोस्ट रेडी, यस ज्वेलरी हो गई, सिर्फ रिंग्स हैं अब। आई अप्लाई मस्कारा हो गया, लिपस्टिक, रिंग्स भी हो गई एंड नाउ आई एम रेडी फॉर माई स्टूडियो। ये है मेरी फाइनल लुक, अब मैं आपको स्टूडियो में जाके दिखाती हूँ, यस विद द माइक ऑन और ऑन एयर, बिल्कुल विद इन फ्यू सेकेंड आई विल बी ऑन एयर। यस सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय।